दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अंदर ऐसे कई सारे गुप्त बातें छिपी है जिसे अगर कोई समझकर अपने जीवन में लागू करे तो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बाइबल के एक ऐसे महान राजा के बारे में चर्चा करेंगे जिसे कुछ ऐसी गुप्त बातें पता थी जिसे उसने अपने जीवन में लागू करके कई बार अपने दुश्मनों को बिना युद्ध किए ही पराजित करके विजय पाया। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस राजा के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है राजा यहोशापात, जिसने 25 वर्ष तक यरूशलेम पर राज्य किया था। बाइबल में यहोशापात को एक ऐसा शासक के रूप में दर्शाया गया है जिसने अपने शासन काल में वही सब किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। लिखा है दूसरा इतिहास अध्याय 20 उसका 32 में, वह अपने पिता आसा के मार्ग पर चला और उससे न हटा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। यहोशापात को हम इसराइल के दुष्ट राजा अहाब के साथ भी देखते हैं, जिसका बुरा प्रभाव पड़ा उसके बेटे पर, जिसने अहाब की बेटी अतल्या से विवाह किया, जिसने आगे चलकर यहूदा के राज्य को आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बार यहूदा राज्य पर मुआबी और अमोनियों ने चढ़ाई करने को बड़ी भीड़ के साथ चले आ रहे थे। कुछ लोगों ने तुरंत जाकर यहोशापात को बताया कि सीरिया देश से एक बड़ी भीड़ तुझसे युद्ध करने को आ रही है। यहोशापात यह सुनते ही घबरा गया और परमेश्वर की खोज में अपना ध्यान लगाया और उसने पूरे यहूदा में उपवास रखने की घोषणा करवा दिया और खुद यहोशापात यहोवा के भवन में यहूदियों और यरूशलेम की सभा में खड़ा हुआ और परमेश्वर को पुकारने लगा, यह कहकर कि प्रभु, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? तेरे हाथ में तो ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता है। यहोशापात अमोनियों की उस बड़ी भीड़ को देखकर डरा हुआ था, क्योंकि वह उस भीड़ के सामने अपने आप को निर्बल समझ रहा था। इसीलिए उसने परमेश्वर से सहायता मांगी। जब यह परमेश्वर को पुकार रहा था, तभी परमेश्वर का आत्मा यजीएल नामक एक लेवी पर उतरा और यह परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। लिखा है दूसरा इतिहास अध्याय 20 उसका 15 से 18 में, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वाले हो, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे क्या कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूयल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। यहां हम देखते हैं कि यहोशापात के पुकार को सुनकर परमेश्वर ने उसे साहस दिया कि उस बड़ी भीड़ से मत डरो, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। और परमेश्वर ने यहोशापात को यह भी कहा कि उस बड़ी भीड़ को मैं तुम्हारे हाथ में कर दूंगा और इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। फिर जैसे ही सवेरा हुआ, यरूशलेम निवासी और यहूदी कटोवा के जंगल में कूद गए। यहोशापात ने सभी को साहस देते हुए बोला कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और उसके नबियों पर भरोसा रखो तो सफल हो जाओगे। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन बड़ी भीड़ को जो यहूदियों से युद्ध करने को आ रही थी नाश कर दिया। लिखा है दूसरा इतिहास 20 उसका 21 से 24 में, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सीर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सीर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सीर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सभी ने एक दूसरे का नाश करने को हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस बड़ी भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए सौ हैं और कोई नहीं बचा। यहां हम देख सकते हैं कि कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहोशापात और सारे यरूशलेम के निवासियों को उन अमोनियों और मोआबियों के बड़ी भीड़ से बचा लिया। जिस भीड़ से पूरा यरूशलेम और यहोशापात घबराया हुआ था, परमेश्वर उस भीड़ को ही नाश कर दिया।
और वो भी बिना यरूशलेम से युद्ध हुए ही। परमेश्वर के इतने महान कार्य के लिए पूरे यरूशलेम यहूदी और यहोशापात ने बराका की घाटी में धन्यवाद दिया। इसके बाद सभी लोग यहोशापात की अगुवाई में आनंद के साथ यरूशलेम को लौटे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं पर विजय दिलाया। पड़ोसी देश के लोगों ने जब यह सुना कि परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाया है, तब उन लोगों पर भय छा गया और यहोशापात के राज्य पर शांति बना रहा, क्योंकि यरूशलेम के शत्रुओं ने खुद ही युद्ध करना बंद कर दिया था। यहाँ पर हम एक बात नोटिस करें तो पता चलता है कि जब तक यहोशापात अपनी सेना के बल पर विचार कर रहा था, अपने शत्रुओं को देखकर वह डर गया और साथ ही पूरा यरूशलेम भी भयभीत हो गया। लेकिन जब यहोशापात ने अपने आप को याद दिलाया कि उसके पास सबसे बढ़कर एक शक्ति है, तब उसने पूरे यहूदा को प्रार्थना और उपवास करने के लिए इकट्ठा किया। परमेश्वर ने यहोशापात के लिए एक रहस्य का खुलासा किया कि उन्हें स्तुति करते हुए युद्ध में जाना चाहिए, और इसीलिए जब सारे यरूशलेम और यहूदियों के निवासियों ने परमेश्वर की स्तुति की, तब परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को नाश कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि उन्हें स्तुति के शास्त्र धारण करना चाहिए। स्तुति करना केवल हमारी जीत हासिल करने में नहीं है, बल्कि यह एक आज्ञा भी है, जिसके बारे में दाऊद अपने भजन संहिता में बताते हैं, अध्याय 100 उसका 4 में, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्तुति करना कितना जरूरी है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत भी परमेश्वर की स्तुति लगातार करते रहते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना अद्भुत और महान बात है। स्तुति की महान रहस्य के बारे में यहोशापात को भी पता चला जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और स्तुति करते हुए अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।